भैया अंदर जलाए ना, बाहर वाले जल जाएंगे, बाहर और बल्ले जाएंगे। चलो बढ़िया से पूरा खाली है, देखो यह होगा साहब। लोगों के घर जो है उनके घरों के चिराग बुझते थे, आज उन्हीं के बनाए हुए दिए जो है रोशनी बिखेर रहे हैं। किस तरह की सोच थी आपकी? जनपद बाराबंकी का एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है यहाँ, जिसकी भी तैनाती होती है कि यहाँ अवैध शराब का धंधा नियंत्रित रखा जाए। उसी पहल के तहत ये जब देखा गया कि रिपीटेडली एक ही जगह बार बार दबिश हो रही है और बरामदगी भी हो रही है, तो मैंने जिलाधिकारी बाराबंकी डॉक्टर आदर्श सिंह, जो हमारे हर पहल का हमेशा समर्थन करते हैं, उसे विमर्श किया और उसके बाद इस गांव में पहल की कि यहाँ पर एक पूरा परिवर्तन हो, यहाँ के लोग इस अवैध धंधे को छोड़कर किसी और विशेष रोजगार की ओर उन्मुख हो। इस दिशा में हम लोगों ने मधुमक्खी पालन यहाँ के लिए चुना, क्योंकि वो आसपास की जो भौतिक स्थिति है उसको देखते हुए बहुत मुफीद है, और हम लोगों ने उन्हें प्रेरित किया। काफ़ी समय, 4 हफ्ते 5 हफ्ते लगातार वहाँ चौपाल लगानी पड़ी, फिर धीरे धीरे इन्हें यह विश्वास हुआ। तो इनके विश्वास को और संबल देने के लिए दीपावली के दृष्टिगत वहाँ पर 20 वैक्स से जो मधुमक्खी द्वारा वैक्स जमा किया जाता है, उस वैक्स से दीपक बनाए गए हैं, जो आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जिनका प्रचार प्रसार हुआ और उसकी बेहद मांग हो रही है। लेकिन हम केवल दीपावली तक इनका संबल नहीं चाहते, हम इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, और इसके लिए बहुत सी इंडस्ट्रीज आगे आ रही हैं, बहुत से व्यक्तिगत लोग आगे आ रहे हैं जो वहाँ पर जो रोज़गार की संभावनाएं हैं उनको तलाश रहे हैं, और उसके लिए इस सपने को पूरा करने में हमारी मदद कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से स्थानीय पुलिस है, रामनगर थाने की पुलिस है, वहाँ के अधिकारी हैं, उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि वो अपनी ड्यूटी के अलावा चैनपुर में काफ़ी समय देते हैं। वहाँ की महिलाएं बहुत अग्रणी हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा दिलीप सिंह का, जो इस पूरी जो परिकल्पना है उसकी धुरी हैं, बहुत समय देते हैं यहाँ पर इस विकास का, और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर चैनपुरवा को एक नया रूप दे सकें। कप्तान साहब, अमूमन जो है कई वर्षों से जो कार्य कर रहा है उसके लिए इतना आसान नहीं होता कोई चीज़ छोड़ना किसी।
किया कि वहाँ के लोगों को वॉइस दी जाए, वहाँ के लोग अपनी समस्या बताएं, और उन्होंने जब समस्या बताई तो ऐसा लगा कि रोज़गार ना होना और उस इलाके में पुल ना होना, ये दो बड़ी समस्याएं वहाँ पर हैं। तो रोज़गार के अवसर तो हम लोग प्रयास यहाँ प्रदान कर रहे हैं उनको, लेकिन इसके बाद वहाँ की और समस्याएं हैं वो जिलाधिकारी बाराबंकी डॉक्टर आदर्श सिंह के माध्यम से शासन को भेजे जाएंगे और उसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। सर, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है आपका, ये जो प्रयास था, क्या इसको और भी विस्तार देने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये पॉजिटिव रिस्पांस आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो सका है, क्योंकि अगर वहाँ केवल काम होता और हम लोग वहाँ एक सप्ताह जाते तो शायद लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि जयपुर में क्या काम हो रहा है। मैं हृदय से आभारी हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के महानुभावों से, जिन्होंने पुलिस और प्रशासन की इस पहल को अपनी लेखनी दी, कैमरा घुमाया वहाँ पर और वहाँ का चेहरा बदल गया। निश्चित रूप से जनपद के अन्य जो तहसीलें हैं वहाँ भी चैन प्रवाह जैसे गांव तलाशे जाएंगे जो अपनी मूलभूत समस्याओं के कारण पिछड़े हुए हैं। थैंक यू। बाराबंकी हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी वाणी।